यार सिर्फ 20 वोट, एटलीस्ट मेरे भाई 33 वोट तो देना ही चाहिए था तुम्हें। अम्ला कभी नहीं देता है। दोस्तों मोटो ने इंडिया के अंदर अपने मोटो G62 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया, जिसे हम कंपेयर करेंगे OnePlus Note CE2 स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि मोटो के अंदर हमें 6.5 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। लगता है यार ये अपने PAOLED वाले कंसेप्ट से दूर जाने लग गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD+ फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना भाई OnePlus फोन की एकदम बढ़िया वाली है, ये IPS LCD की तरह नहीं। और वहीं दोस्तों अगर बात की जाए पिक्सल डेंसिटी की, तो यहां पर मोटो फोन के अंदर है 405 PPI, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर है 409 PPI। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और अगर मैं यहां पर बात करूं स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो यहां पर मोटो का फोन पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में यहां पर भाई OnePlus का फोन ही विनर है। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको बता दूं कि मोटो का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, जो कि ऑक्सीजन OS 11 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर मोटो का फोन ही विनर है। और अगर मैं बात करूं UI की, तो भाई UI के मामले में तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की, तो आपको बता दूं कि मोटो के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें Dimensity 900 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं। लेकिन यार अगर हमें किसी एक को चूज करना हो ना, तो यार जो OnePlus के अंदर हमें Dimensity 900 दिया गया ना भाई, तगड़ा चिपसेट है, गेमिंग तो यार मजेदार करवा देगा आपको। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 MP का, अल्ट्रा वाइड प्लस डेप्थ कैमरा है 8 MP का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 MP का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा 64 MP का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 MP का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 MP का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर बैक कैमरा सेटअप के मामले में ना भाई OnePlus का फोन ही विनर है, काफी बढ़िया कैमरा सेटअप है OnePlus का। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहां पर मोटो के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर बात की जाए वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। और अब बारी आती है बैटरी की, तो आपको बता दूं कि मोटो का फोन यहां पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि सिर्फ 20W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यार सिर्फ 20W, एटलीस्ट मेरे भाई 33W तो देना ही चाहिए था तुम्हें। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus का फोन 4500mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 65W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों ही मामलों में यहां पर OnePlus का फोन ही विनर है। और अगर हम बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों 3.5mm जैक भी हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए स्पीकर की, तो यहां पर मोटो का फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो यहां पर मोटो फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में यहां पर OnePlus का फोन बेस्ट है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि मोटो फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 25,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपके क्या
आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, मोटो को या वन प्लस को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों मैं तो यार यहाँ पर वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा। हाँ यार हम 5000 रुपए एक्स्ट्रा जरूर से पे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, अगर यार आप 20000 रुपए खर्च करके भी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही करो ना यार फोन के साथ में, तो भाई कोई मतलब नहीं रह जाता उन 20000 का। इससे बढ़िया तो आप 5000 रुपए और इन्वेस्ट करके भाई एक बढ़िया फोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे सेगमेंट्स में यहाँ पर भाई वन प्लस का फोन काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।